हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब एंड वनकम, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज डे टू लेह में और ऑलमोस्ट 40 आवर्स हो गए लेह में, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरी तबीयत में सुधार नहीं है। लेकिन आज सोच रहा हूँ डॉक्टर के पास जाऊँ और फिर आ गया हूँ आंटी के पास मसाला, क्या बोलती है इसको, नमकीन चाय पीने के लिए। सो आज भाई को भी पिलाया तो आज भाई मेरे साथ चाय पीने बैठे थे। कैसा लगा नमकीन चाय? बढ़िया, मतलब अलग है, कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ अलग है, मतलब बटर मिल्क है और गरम बटर मिल्क बोल सकते हैं, लेकिन मस्त है। सो उसकी वजह से थोड़ा सा बोल पा रहा हूँ या अच्छा फील कर रहा हूँ। अब यहाँ से आज तो सेम कल के जैसे रूटीन होगा, इधर लोकल ही घूमेंगे और लेकिन सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि डॉक्टर के पास जाऊँगा। ये ना ओल्ड डे रोड है और यहाँ पर सब बाइक रेंटल दुकान है। सो बाइक रेंट पर मिलती है लेकिन बहुत महंगी है। 350 सीसी कुछ 1800-1500 और हिमालयन लोगे तो 2500, बहुत महंगा है। सो अभी मैं जा रहा हूँ शांति स्तूपा जो कि लेह में ही है, थोड़ा सा बाहर है और ये आ गया थोड़ा सा चढ़ान तो सांस फूलने लग गए। रेस करते करते जाएंगे, रेस करते करते जाएंगे, लेकिन जाएंगे। सो जा रहा था मैं शांति स्तूपा लेकिन भूख लगी क्योंकि ब्रेकफास्ट में सिर्फ मैंने चाय और वो ब्रेड खाया था, तो थोड़ा सा कुछ खाते फिर आगे बढ़ते, और हालत थोड़ी सी अभी भी नाजुक है, कुछ करना पड़ेगा बॉस। कोई खाते मजबूत क्योंकि कल से मैंने खाना नहीं खाया और खाना जा नहीं रहा था इसकी वजह से खा नहीं रहा था मैं, लेकिन मैं फ्रूट्स सब आगे खाए मजबूत हो। सो आधा घंटा रेस्ट करने के बाद अपने को जाने का है ऊपर। सो चढ़ना पड़ेगा, लेकिन रेस्ट तो किया मैंने, बहुत अच्छा रेस्ट किया, अब हिम्मत तो आ गई है ऊपर जाने की, चलते हैं, लेट्स गो। सो अनगिनत ब्रेक के बाद ऑलमोस्ट पहुँचो, अभी तक ऊपर नहीं आऊ, ऑलमोस्ट पहुँचो, और एक ब्रेक लिया मैंने, जाऊंगा ऊपर। वेट तो यही से 3 बजे शुरू किया था ऊपर चढ़ना, यहाँ से शांति स्तूपा तक 3 बजे शुरू किया था, पहुँच गया था 4:30 बजे और अभी बज रहे 6, तो ऊपर ही था, टाइम पास कर रहा था। अभी जैसे 6 बजे ना तो ठंडी हवाएं शुरू हो गई है, तो नाक और मुंह एकदम जमा रहे, और वो तो हाई एल्टीट्यूड का जो सर भारी रहता है वो तो है ही। सोच रहा हूँ जाके आना पड़ेगा डॉक्टर के पास, लेट्स गो। सो सभी को फिर से गुड मॉर्निंग, कल मैं शांति स्तूपा गया था और डॉक्टर के पास नहीं जा पाया, लेकिन गोली खा के ऐसा सो गया था, लेकिन आज भी नहीं, तो फिर ना एकदम ऐसा एकदम अचानक से रहा,
तरोताजा हो गई है। और आंटी जी के हाथ की चाय पी के तो मजेदार है। कैसी है चाय? चाय बढ़िया है। अरे चाय एकदम बढ़िया रहती है आंटी की। आंटी गुड मॉर्निंग। जुले जुले गुड मॉर्निंग। तो आज का प्लान है, रुकने का तो प्लान है, आज सुबह जाने वाला था मैं, लेकिन तबीयत ठीक होने की वजह से आज रुक रहा हूँ। तो आज अपन थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे लोकल, जैसे कि पैलेस देखना ही है और कुछ है तो आंटी से बात करता हूँ क्या देख सकता हूँ, लेकिन मज़ा तो बहुत आने वाला है। ओके सो ये रहा ले सिटी, और जो मेन बाज़ार अपन देख रहे हैं वो इधर किधर है, मेन बाज़ार ले मॉल रोड। अभी मैं आया ऐसे पूरा बस्ती से चलते 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 मेन रोड पे तक आया, और यहाँ से पैलेस तक कार और सब जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बट मस्त है। आज का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, गर्म ही है। अरे माउंटेन कितने खूबसूरत लग रहे देखो ना, और हल्की हल्की बर्फ़ है जो पिछले साल की होगी अभी तक है। सही है, बेस्ट जगह है। और मुझे देख के डरना मत, पूरा काला हो गया, 12 बजे धूप पे घूम रहा हूँ। चलते ले। सो जाके आया ले पैलेस। ये जो पैलेस है, ये पैलेस सिटी के एकदम टॉप पे है, तो पूरा सिटी यहाँ से दिखता है। ले सिटी जो कि लेह लद्दाख की राजधानी है। ले जुले क्या बेच रहा? कान पट्टी। ठीक है भैया, आप खुद बना रहे हो? हाँ। ये सब आपने बनाया? हाँ। चलो मैं एक ले लेता हूँ। ले लो। सो ले पहले से आया था और यहाँ से निकल ही रहा था, लेकिन दो दिलचस्प इंसान मुझे मिले जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने तो सिर्फ मेरा नाम पूछा, बाद में मेरे बारे में सब कुछ पूछा, बाद में उन्होंने उनके बारे में पूछा, तो रिस्पेक्ट यहाँ से यहाँ हो गई। लेकिन मैं नहीं बताऊँगा क्या है, लेकिन पाजी मुझे इतना बता दो ले के बारे में कैसा लग रहा है आपको ले में आके? यार बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे हमारी तरफ सबको मालूम है इस टाइम बहुत गर्मी है, लेकिन जहाँ पे घूमने के लिए आए थे तो ले पहले बहुत बढ़िया लगा। हमारे बुद्ध जी की कलाकारियाँ बहुत बढ़िया अंदर इसके, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। अभी कहाँ जाओगे यहाँ से? अभी तो शांति स्तूप। अभी पूरा ले घूमने का इरादा है? पैंगोंग पूरा तो नहीं, जितना कवर होता है उतना कवर करेंगे जरूर। सही है, थैंक यू सो मच आपके जर्नी के लिए। हैप्पी जर्नी, आप बहुत बड़ी शुभकामनाएं। थैंक यू, ऐसे घूमते रहो, एंजॉय करते रहो। थैंक यू सर। थैंक यू। सो मस्त लंगर में खाना खा के मज़ा आ गया। लंगर मतलब लंगर नहीं था बेसिकली, बट बहुत अच्छा था। वो बोलते ना, प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को खाना खिलाना, यही ईश्वर सेवा है। तो सच में गुरुद्वार के जो हमारे सिख भाई बहन है वो सच में बहुत अच्छा काम करता है, तहे दिल से बहुत उनका शुक्रिया और वाहेगुरु। अभी आया आंटी जी के पास फिर से। ये मेरा ना बेस हो गया है, मेरा ऑफिस बनाया मैंने। लेकिन एक बड़ी बहन की तरह मेरे को संभाला है, चाय के मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो कितना मेरा ख्याल रखा है। थैंक यू सो मच। और सच में लद्दाखी पीपल यार बहुत स्वीट है। मज़ा आया। और अभी 4 दिन हो गया मेरे को, अभी कल निकलूँगा। अभी तबीयत ठीक लग रही है और मैं निकल रहा हूँ, लेकिन जाना पड़ेगा, मैं ट्रैवलर हूँ, एक जगह पे इतने देर रुक नहीं सकता, मुझे और ट्रैवल करना है और घर भी जाना है और बहुत जनों के सवालों के जवाब देने। तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। लद्दाख में घूमने के लायक बहुत कुछ है, जैसे पैंगोंग लेक है, खारदुंगला सबसे बड़ा मतलब सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है, और नोरबा वैली और बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम कवर नहीं, लेकिन इतना भी अपने पास पैसे नहीं है। सच बोलूं तो समझ लो, पैसा नहीं है, बात बोलो, टाइम नहीं है, बोलो।
नहीं अभी जो सच है सच सच है, अभी क्या बोल सकता, अभी घर जाने के लिए भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बात तो सही वही है, तो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली मैं आऊंगा ही, क्योंकि मानिक का प्लान है, मानिक डीजे अरुण जो और हम लोग सब लोग प्लान कर ही रहे थे लद्दाख का, ये सीजन में हम लोग को आना ही था, तो मे बी नेक्स्ट मंथ या उसके अगस्त के पहले हम लोग प्लान करेंगे आने का, तो उस टाइम पे घूमना होने ही वाला है। खाना खाने गया है, आधा घंटा लगेगा, रुकावट के लिए खेद है, तो प्लान होने ही वाला है, तो इसलिए मैं अभी घूम नहीं पा रहा हूँ, घूम नहीं रहा हूँ, और ले थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच, अभी मुंबई आओगे तो बिंदास कॉल करना, अपन आंटी को घुमाएंगे। जी जी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और बी अ स्माइल डोनर। थैंक यू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया।